वेलकम बैक एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है गवर्नमेंट स्कीम्स पर। इसके पार्ट वन से हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्कीम से, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम। जानेंगे इसके बारे में। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, भारत सरकार द्वारा 2014-15 में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम शुरू किया गया था। 2018-19 से NMOOP को NFSM, OS and OP के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM में मिला दिया गया था। जानेंगे NFSM, OS and OP का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। नई योजना NMEOOP, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम को समाहित कर देगी। जानेंगे इसके उद्देश्य के बारे में, तो पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन और तेल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए वर्तमान पाम ऑयल उत्पादन में वृद्धि करना और खाद्य तेलों पर आयात का बोझ कम करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। बात करते हैं इसके फंडिंग पैटर्न के बारे में, तो सामान्य श्रेणी के राज्यों के मामले में फंडिंग पैटर्न 60:40 है, और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंडिंग पैटर्न 90:10 है। किसानों को रोपण सामग्री के लिए 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर डोमेस्टिक सीडलिंग्स के लिए और 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इंपोर्टेड सीडलिंग्स के लिए सहायता दी गई है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान में CPO, जिसे हम क्रूड पाम ऑयल कहते हैं, उसका मूल्य का 2% अतिरिक्त खर्च सरकार वहन करेगी। पाम तेल उत्पादन करने वाले किसानों को मूल्य अंतर का भुगतान DBT के जरिए किया जाएगा। पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा की दर से पुराने बगीचों को फिर से लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल आउटले किया गया है, जिसमें से 8,844 करोड़ रुपए भारत सरकार का हिस्सा है और 2,196 करोड़ रुपए राज्य के हिस्से में आएगा। इसे ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च की रिपोर्ट या राज्य की सिफारिश के अनुसार विभिन्न राज्यों में लागू किया जाना है। यह योजना 1 नवंबर 2037 तक बनी रहेगी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम के बारे में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम PM किसान योजना भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जानेंगे ये लॉन्च कब हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई। हालांकि इस योजना को आधिकारिक तौर पर 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है देश में सभी लैंड होल्डिंग पात्र किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना। इसका दूसरा उद्देश्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न आदानों की खरीद के लिए किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। जानेंगे हम PM किसान योजना के बारे में। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसकी 100% फंडिंग भारत सरकार कर रही है। हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में देश भर में सभी भूमि धारक पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। लाभ का भुगतान केवल उन किसान परिवारों को किया जाना है जिनके नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज हैं। मगर वनवासियों, उत्तर पूर्वी राज्यों और झारखंड को छोड़कर जिनके पास भूमि रिकॉर्ड के लिए अलग प्रावधान है, सभी PM किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे ताकि किसान बैंकों से आसानी से कर्ज ले सकें। इससे ऐसे सभी किसानों को फसल और पशु या मछली पालन के लिए समय पर चुकौती पर अधिकतम 4% ब्याज पर अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। योजना की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए PM किसान मोबाइल ऐप को PM किसान की पहली वर्षगांठ 24 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्कीम की ओर। नेक्स्ट है हमारा
10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, 10,000 न्यू एफपीओस के बारे में है। तो चलिए बात करेंगे इसके बारे में, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है किसानों के लिए अर्थव्यवस्था पैमाने को सुनिश्चित करने के लिए 2019-20 से 2027-28 तक 10,000 एफपीओस का गठन किया जाएगा। प्रत्येक एफपीओ को उसकी स्थापना के वर्ष से 5 वर्षों तक सहायता जारी रखी जाएगी। जानेंगे इसके लक्षित लाभार्थी कौन है, तो वे हैं छोटे सीमांत और भूमिहीन किसान। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। एफपीओ में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियां के साथ साथ राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान सहकारी समितियां शामिल हैं। एफपीओ को बढ़ावा दिया जाएगा एक जिला एक उत्पाद क्लस्टर के तहत, ताकि वो विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एफपीओ के द्वारा निर्यात को प्रमोट कर सके। इन जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ के साथ आकांक्षी जिलों में कम से कम 15% लक्षित एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। प्रारंभ में एफपीओ में सदस्यों की न्यूनतम संख्या मैदानी क्षेत्रों में 300 और उत्तर पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी। अनुभव या फिर आवश्यकता के आधार पर संख्या को संशोधित किया जा सकता है। एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा एफपीओ के हर किसान सदस्य को 2,000 रुपए इक्विटी अनुदान के लिए 15,00,000 रुपए प्रति एफपीओ तक की सीमा के साथ और एलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से प्रति एफपीओ परियोजना ऋण के लिए 2,00,00,000 रुपए तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी, जिसे हम NPMA कहते हैं, ओवरऑल प्रोजेक्ट के मार्गदर्शन, कोऑर्डिनेशन, एफपीओ से संबंधित सूचनाओं के संकलन, प्रबंधन सूचना प्रणाली के रखरखाव और निगरानी के उद्देश्य में लगी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम की ओर। नेक्स्ट है पीएम फसल बीमा योजना, PMFBY। बात करेंगे इसके बारे में, इसका उद्देश्य क्या है। PMFBY का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना है। इन तरीकों से अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और अंतिम में किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने के अलावा किसानों की ऋण योग्यता, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करना। बात करते हैं पीएम फसल बीमा योजना के बारे में। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्रीय सब्सिडी के बारे में बात करें तो शुरू में राज्य और केंद्र के योगदान को 50:50 के आधार पर साझा किया गया था। हालांकि इसे 2020 में पुनर्गठित किया गया और अब केंद्रीय योगदान कुछ इस प्रकार है। असिंचित क्षेत्रों या फसलों के लिए 30%, सिंचित क्षेत्रों या फसलों के लिए 25%, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90%, योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। बीमा कंपनियों को कारोबार का आवंटन 3 साल के लिए किया जाना है। इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों को अपनी बीमा कंपनियां स्थापित करने की अनुमति दी गई है। बात करेंगे अब किसान द्वारा देय प्रीमियम की दर। खरीफ फसलों के लिए ये प्रीमियम दर है SI का 2% या फिर बीमांकित दर या जो भी कम हो। रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% या बीमांकित दर या फिर जो भी कम हो। वाणिज्यिक या फिर बागवानी फसलों के लिए बीमा राशि का 5% या बीमांकित दर जो भी कम हो। बात करेंगे आगे कवरेज ऑफ रिस्क एंड एक्सक्लूजन्स के बारे में। बेसिक कवर में इस श्रेणी के तहत उल्लेखित जोखिमों का कवरेज अनिवार्य है। यह योजना सूखे, बाढ़,
वाइड स्प्रेड पेस्ट और बीमारी, भूस्खलन, बिजली तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण प्राकृतिक आग जैसे गैर रोकथाम जोखिमों के कारण क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के आधार पर उपज हानि को कवर करने के लिए प्रदान करती है। वहीं बात करें एड ऑन कवरेज की, तो इस श्रेणी के तहत उल्लेखित जोखिमों का कवरेज अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति के परामर्श से बुवाई, रोपण या अंकुरण जोखिम, मध्य मौसम प्रतिकूलता, फसल कटाई के बाद के नुकसान, स्थानीय आपदाएं, जंगली जानवरों द्वारा हमले के लिए कवरेज प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जनरल एक्सक्लूजन्स के बारे में, तो युद्ध और परमाणु जोखिमों, दुर्भावनापूर्ण क्षति या अन्य रोके जा सकने वाले जोखिमों से होने वाली हानियों को बाहर रखा गया है। तो यहाँ हमारा पार्ट वन खत्म होता है। पार्ट टू में हम और भी विस्तार से आगे के स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं।